हेलो स्टूडेंट, मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चला था डाटा मॉडल इन डीबीएमएस, आज अपने उसी टॉपिक को आगे करते हुए आज अपन देखेंगे कि हायरार्किकल डाटा मॉडल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल के बारे में बताया था। आज अपने बात करेंगे कि हायरार्किकल डाटा मॉडल क्या होता है डीबीएमएस के अंदर। देखिए स्टूडेंट, जो आपका ये नाम से पता चलता है कि हाई आर्किकल स्टूडेंट क्या नाम है, हाई आर्किकल मॉडल क्या होता है कि हाई आर्किकल मॉडल एक आप बोल सकते हो कि ऐसा मॉडल है जिसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स के जो गुण्स होते हैं वो चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं। यानी ये जो इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, आपका पेरेंट टू चाइल्ड होगा। यानी इसमें जो नोट्स होगा वो होगा आपका पेरेंट्स और उसके अलग अलग चाइल्ड हो सकते हैं। यानी एक पेरेंट्स के एक से अधिक चाइल्ड नोड हो सकते हैं, परंतु एक चाइल्ड के एक से अधिक पेरेंट्स इसमें नहीं होंगे। यानी आप कह सकते हो कि इसमें एक पेरेंट्स के एक से अधिक चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के एक से अधिक पेरेंट्स नहीं होंगे, यानी एक ही पेरेंट्स होगा। तो ये कहलाएगा आपका हायरार्किकल मॉडल आएगा। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स ये हो गया, ये इसके चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, हो सकता है ये भी इसका चाइल्ड है। यानी एक पेरेंट्स के कई अधिक चाइल्ड हो सकता है और ये चाइल्ड भी क्या होगा, आगे पेरेंट्स बन जाएंगे। फिर इसके भी क्या हो जाएगा, चाइल्ड, फिर चाइल्ड और चाइल्ड। अब इस चाइल्ड के लिए ये क्या है, ये पेरेंट्स है, और इस चाइल्ड के लिए क्या है, ये पेरेंट्स है। ये जो फॉर्मेट आपका चलता है ये कहलाएगा आपका हायरार्किकल, क्या कहलाएगा, हायरार्किकल डाटा मॉडल कहलाएगा। इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका कैसा होता है, ट्री फॉर्मेट जैसा होता है। कैसा होता है, ट्री फॉर्मेट। जो उसमें जो मैन पेरेंट्स होता है वो उसको बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, रूट नोड, क्या बोलते हैं उसको, रूट नोड होता है। रूट यानी आपकी जड़ हो गई। अब इससे क्या होगा, आपकी आपकी अलग अलग तना शाखाएं आपकी और ब्रांचेज आपकी क्या होगी, बनती रहेगी। तो यानी ये फॉर्मेट आपका क्या कहलाएगा, ट्री फॉर्मेट कहलाएगा। और ये क्या करता है कि ये दो तरह के रिलेशनशिप को बनाता है, एक आपका पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप को स्थापित करता है, दूसरा करता है वन टू मैनी रिलेशनशिप को, क्या करता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप को ये बताता है। जैसे एक एग्जांपल अपना वो लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉलेज है, इस कॉलेज में तीन संख्याएं हैं, तीन आपके सब्जेक्ट हैं। एक है आपका बीए यानी आर्ट्स का, दूसरा है आपका बीकॉम यानी कॉमर्स का, और तीसरा है आपका बीएससी यानी आपका साइंस का। ये तीन यानी कॉलेज आपके, इसके तीन क्या हो गए, चाइल्ड्स हो गए। ये आपका मेन रूट है, ये आपका कौन सा है, रूट नोड है, और ये आपके क्या है, चाइल्ड नोड है। यानी ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को दिखा रहा है। यानी क्या है, ये आपका वन है और ये आपका मैनी है, ये आपके वन टू मैनी रिलेशनशिप को दिखा रहा है। अब आगे क्या हो गया कि बीए क्लास में क्या होगा आपका, कि हो सकता है एक होगा कोर्स यानी आपका सब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा आपका इसमें टीचर, और तीसरा क्या होगा आपके स्टूडेंट। इसी प्रकार से इसमें भी क्या हो सकता है, आपका सब्जेक्ट, इसमें भी टीचर, और इसमें भी आपके स्टूडेंट। इसी प्रकार से सेम इसमें ये चलेगा। तो ये क्या बता रहा है कि ये आपके वन टू मैनी रिलेशनशिप को बताता है। यानी ये वन हो गया, इसके मैनी रिलेशनशिप हो गए, ये वन हो गया, ये इसके मैनी रिलेशनशिप हो गए। ये आपका ये क्या है, ये आपका रूट नोड है, इस रूट नोड के ये क्या है, तीन चाइल्ड नोड है, और इन तीन चाइल्ड नोड के पेरेंट्स कौन है, ये पेरेंट्स है। हो सकता है कि ये भी आगे क्या हो सकते हैं कि पेरेंट्स नोड बन सकते हैं, अगर आप उसको आगे भी डिफाइन करते हैं। तो ये आपका एक ट्री फॉर्मेट को बताता है, और ये क्या करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को और वन टू मैनी रिलेशनशिप को ये बताता है। अब अपने इसमें देखेंगे कि इसमें दो चीज आपको इसे ध्यान रखना कि एक पेरेंट्स नोड के एक से अधिक चाइल्ड नोड हो सकते हैं, और परंतु एक चाइल्ड के एक से अधिक पेरेंट्स नहीं होंगे। यानी इसका चाइल्ड का हमेशा एक ही पेरेंट्स नोड होगा, लेकिन पेरेंट्स के एक से अधिक चाइल्ड हो सकते हैं। तो ये सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अब देखते हैं कि इस हायरार्किकल मॉडल के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है ये
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये क्या बताता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बताता है। जैसे ये रहा, ये पेरेंट्स है, ये इसके चाइल्ड है, ये आपका क्या पेरेंट्स, पेरेंट्स है, ये इसके चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ये भी आपका क्या है चाइल्ड है। अब ये जो चाइल्ड रहा, अब ये इसके लिए क्या बन गया, अब इसके लिए ये बन गया पेरेंट्स, क्या बन गया पेरेंट्स, तब ये क्या बन गए चाइल्ड बन गए। तो ये इस प्रकार से आपका इसका रिलेशनशिप आपका चलता है। दूसरा क्या है सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर में सिक्योरिटी बहुत होती है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई अनऑथराइज यूजर आपके डाटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि आपका पेरेंट्स नोड कई चाइल्ड नोड होकर गुजरता है, यानी उसको आपको एक्सेस करने के लिए कई स्टेप काम में लेने पड़ेंगे, इसलिए क्या इसमें सिक्योरिटी आपकी रहती है। तीसरा है कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को बताता है, क्या बताता है वन टू मैनी रिलेशनशिप को बताएगा, यानी जैसे आपका ये वन इसके तीन रिलेशनशिप अलग है, ये वन इसके तीन रिलेशनशिप, यानी ये वन टू मैनी रिलेशनशिप को बताता है। तो ये इसकी क्या तीसरा विशेषता या एडवांटेज है। चौथा इसमें क्या है कि डाटा शेयरिंग, इसमें क्या होता है कि डाटा शेयरिंग बहुत आसानी से हो जाती है, आप किसी भी चाइल्ड नोड पे डाटा को आसान से शेयर कर सकते हैं पेरेंट्स नोड से, यानी कॉलेज से आपका कोई जैसे हमारे कोई सूचना भेजनी है तो क्या होगा, ये जो कॉलेज सूचना कहाँ भेजेगा, बीए बीकॉम बीएससी क्या नाम है ब्रांचेस को भेजेगा। अब ये ब्रांच के जो टीचर है वो क्या करेंगे, आपके स्टूडेंट को इसके स्टूडेंट को इसके स्टूडेंट को यानी सूचना पहुंचा सकते हैं, यानी इसमें क्या होगा कि डाटा शेयरिंग क्या हो सकती है आपकी आसानी से हो सकती है, इसमें ज्यादा आपको टिपिकल काम नहीं करना पड़ेगा डाटा शेयरिंग के लिए। तो ये थे इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, कि सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है, दो ही है, क्या है मैन इसके दो ही है, क्या है, एक तो है डीडीएल और डीएमएल लैंग्वेज को ये सपोर्ट नहीं करता है, यानी आप इसमें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यही इसकी क्या सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, यानी इसकी सबसे बड़ी हानि यही है कि ये डीएमएल और डीडीएल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, आप इसमें क्या कर सकते हो कि किसी प्रकार का अगर कोई स्ट्रक्चर बन चुका है तब आप उसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं कर सकते, आप या इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है कि नॉट फ्लेक्सिबल, यानी आपका ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये आपका फ्लेक्सिबल प्रकार का नहीं है। इसका जो तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपकी क्या बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रक्चर चेंज नॉट अलाउड, यानी आप इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अगर आप इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करते हैं, जैसे हमारी ये नोड है, अब इस नोड में मैं क्या कर सकता हूँ बदलाव करूंगा तो क्या होगा, इसका प्रभाव पूरे स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। मान लीजिए मैं कोई स्ट्रक्चर में बदलाव चाहता हूं, मैं यहां बदलाव करूंगा तो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा, यहां आएगा, और इसका प्रभाव कहां आएगा, यहां आएगा। यानी अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बना रखा है और उस स्ट्रक्चर में या आप उस स्ट्रक्चर के किसी नोड में कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पूरे आपके डाटा मॉडल पे पड़ता है। इसलिए क्या करता है कि इसके अंदर आसानी से स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। तो मैंने आज आपको हाई आर्किकल डाटा मॉडल के बारे में बताया कि हाई आर्किकल डाटा मॉडल क्या होता है और इसमें इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या हानियां हैं और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है ये आपने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।